हेलो गाइस, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। गाइस, आज की जो अपडेट है वो NIT कालीकट की तरफ से, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। गाइस, इसमें काफ़ी सारी रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई, जूनियर इंजीनियर की, टेक्निकल असिस्टेंट की, सुपरिंटेंडेंट जूनियर इंजीनियर की। तो गाइस, इस वीडियो में जानते हैं क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसीजर। गाइस, हम हैं NIT कालीकट की गाइस ऑफिशियल साइट पर। गाइस, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और गाइस, बहुत से जॉब अपडेट्स हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर देते हैं, तो उससे जुड़ने का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गाइस, जैसे नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर। उसके बाद लिखा है इन्फॉर्मेशन ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस पोजीशन। तो मैं पहले ये PDF डाउनलोड कर लेता हूँ, आपको दिखाता हूँ किस किस पोजीशन में कितनी कितनी सीटें निकल के आई हुई हैं। सो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट, ये मैंने PDF डाउनलोड कर लिया, वहाँ से आप भी वहाँ से आसानी से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। हम मेन यहाँ पे बात करेंगे जूनियर इंजीनियर की। गाइस, जूनियर इंजीनियर की 6 टोटल वैकेंसी है। जूनियर असिस्टेंट की 18 रखी गई, सीनियर टेक्नीशियन की 15 रखी गई, टेक्नीशियन की 30 रखी गई है। अब गाइस, ये इस PDF में आपको दो ही पन्ने मिलेंगे, इसमें आपको ये दिखाया जाएगा कि आपकी सीटी कितनी है। अब आपको इंडिविजुअल PDF डाउनलोड करना होगा। तो गाइस, मैं इंडिविजुअल PDF डाउनलोड करके आपको दिखा देता हूँ कितनी कितनी सीटें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। गाइस, जैसे ही आप ऑफिशियल साइट पर आएंगे, सिंपली आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना, आप देख सकते हैं लास्ट डेट एक्सटेंडेड जिसमें लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि ये जो आपकी वैकेंसी है पुरानी हो चुकी है, तो जो एक्सटेंडेड हो गई उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं 9 नंबर पर जूनियर इंजीनियर की, इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर रखी गई है। लाइब्रेरी एंड इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट की 15 सितंबर रखी गई है। फार्मासिस्ट की 13 सितंबर रखी गई है। जूनियर असिस्टेंट की 13 सितंबर रखी गई है। तो हम मेन बात करेंगे यहाँ पर टेक्निकल जॉब्स की। तो गाइस, हम जूनियर असिस्टेंट, सीनियर टेक्नीशियन, ये सभी के बारे में बात करेंगे हम। गाइस, इसी सीनियर टेक्नीशियन के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी डेट आपकी आउट हो चुकी है एप्लीकेशन की। जिनकी लास्ट डेट एक्सटेंड हुई है उनके हम बारे में बात करेंगे। तो गाइस, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ जूनियर असिस्टेंट में। गाइस, जैसे जूनियर असिस्टेंट पे क्लिक करता हूँ, कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पे लिखा होगा नोटिफिकेशन, उसके बाद लिखा होगा रिक्रूटमेंट रूल, इसके बाद अप्लाई ऑनलाइन। जैसे आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ से सिंपली आपको लिंक टू अप्लाई पर क्लिक कर देना, और लिंक टू पेमेंट, यहाँ से आप पेमेंट भी कर सकते हैं। गाइस, मैं नोटिफिकेशन और रिक्रूटमेंट रूल यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ। गाइस, मैं वहाँ पर क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 18 रखी गई है। आपकी डेट ये एक्सटेंड हो गई है, लास्ट डेट जिससे पर हार्ड कॉपी, ये आपकी जो डेट इसमें लिखा हुआ है ये सभी गलत दिए हुए, यानी कि पहले दिए हुए, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 10+2 और 35 वर्ड पर मिनट आपका मिनिमम टाइपिंग होनी चाहिए। गाइस, अब हम बात करेंगे टेक्निकल जॉब की। गाइस, जो 18 नंबर पे टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है, जिसकी आपकी आखिरी डेट 18 तारीख दी गई है, यहाँ पर हम सिंपली क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन पर। तो चलिए गाइस, मैं नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ टेक्नीशियन पोस्ट के लिए। सो गाइस, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, ग्रुप सी की पोस्ट है, पोस्ट आपकी टेक्नीशियन है, लेवल 3 आपकी होने वाली, पे लेवल इन 7th CPC के द्वारा। एज लिमिट की बारे में बात करते हैं, मैक्सिमम 27 साल रखी गई। वैकेंसी आपकी टोटल 30 रखी गई है। ये आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है आपका। और उसके बाद अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। आप 10+2 विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बोर्ड विद एटलीस्ट 60% मार्क्स की तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 ITI की हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। मेन बात है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर्स ड्यूरेशन इन रिलेवेंट फील्ड, यानी कि रिलेवेंट फील्ड मतलब किस किस ब्रांच से, इसमें नीचे दिया हुआ है, ये देखिएगा, ये दिया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, ये सभी ब्रांच से हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, अब हम बात करेंगे जूनियर इंजीनियर के बारे में। तो गाइस, मैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर पर क्लिक कर देता हूँ, जिसकी लास्ट डेट आपके एक्सटेंड हो गई 12 सितंबर। गाइस, जैसे ही वहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा, नोटिफिकेशन, रिक्रूटमेंट और लिंक टू अप्लाई। तो हम गाइस यहाँ पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आपको दिखाते हैं। गाइस, हमने PDF डाउनलोड कर ली जूनियर इंजीनियर के लिए। पोस्ट आपकी ग्रुप बी है, जूनियर इंजीनियर लेवल 6। एज लिमिट की बारे में बात करते हैं, 30 ईयर रखी गई है। वैकेंसी 6 है, काफ़ी कम नंबर ऑफ वैकेंसी हैं। इसमें आपका फर्स्ट क्लास BE अथवा BTEC सिविल या इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, अथवा फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर विद एक्सेलेंट एकेडमिक रिकॉर्ड। और आपके पास इसमें नोट, इसमें आपका गाइस 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस नहीं रखे हुए हैं, तो वो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 30 मिलने वाली है। और जो एक्सपीरियंस लिए हुए हैं, तो वो जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इसमें सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर जिसकी लास्ट डेट एक्सटेंडेड हो गई, तो जो भी गाइस एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, तो ये PDF डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर डिस्कस करने जाएंगे सारी एक एक PDF डाउनलोड करके, तो ये वीडियो बहुत ही लंबी होने वाली है। सो गाइस, यही एक आपको छोटी सी अपडेट देनी थी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक लिए नमस्कार।